देखो जी, जद्दा एयरपोर्ट से हमने बोर्डिंग कर ली है, कह लें बोर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। गेट पर चढ़ के गेट से निकल आए हैं, बस में आ गए हैं और अभी हमारी फ्लाइट है शर्म शेख के लिए। और मैडम तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। बहुत लोग यहाँ पे हमें सारे सऊदी नज़र आ रहे हैं फिलहाल, तो इंडियन पाकिस्तानी भी जाते तो हैं, अब लेट्स सी कब आते हैं। तो हमारी फ़्लाइट है यहाँ से शर्मल शेख के लिए, जो है यहाँ से 1 आवर एंड 35 मिनट्स की फ़्लाइट है ऑलमोस्ट। बस यार एक बात बोल दी, बस बहुत मज़े की ठंडी है। हालांकि ये दरवाज़ा मेरे साथ खुला हुआ है पर मेरे पर ठंडी हवाएँ शवाएँ फुल जो है ना ज़बरदस्त सिस्टम है। यहाँ पे एयर कंडीशनिंग का बहुत खास ख्याल रखा जाता है पूरे सऊदी अरेबिया में। तो अभी जी हमारी फ़्लाइट इंशाल्लाह है, क्या टाइम हो गया, हो गया है जी 2:30 पर फ्लाइट है, यानी कि आधा घंटा रह गया 30 मिनट। और फ्लाइट हमारी सऊदी एयरलाइंस के साथ है, हम टर्मिनल 1 पे आए थे जो सऊदी एयरलाइंस का टर्मिनल है। और आज सुबह हम नहाए वगैरह नहीं, क्योंकि रात को नहा कर सोच रहे सुबह लेट पे हमारी ट्रेन मिस हो गई थी मदीना से। और मदीना के बाद हम फिर दूसरी ट्रेन पे आए और खाना छाना हमने बहुत खा लिया यहाँ पे एक लाउंज में, मदीना में ट्रेन के लाउंज में खाया। और अभी आगे एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर में यहाँ पे एक लाउंज है प्लाजा प्रीमियम लाउंज, खाना बहुत मज़े का था। वैसे अमूमन लाउंजेस में एक अच्छी चीज़ मज़े की होती है, बाकी सब बस वैसी फिलिंग चीज़ें पड़ी होती हैं कि बस किसी ने खाना है तो ऑप्शन दो। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ बहुत मज़े की थी, जो जो था तो वो है। और इस बस है जैसी आप लोगों को पता ही है एयरपोर्ट से अक्सर होती है, यहाँ पे गेट्स भी हैं टनल्स भी हैं उस तरह की जो प्लेन्स के साथ डायरेक्ट होती हैं। लेकिन मुझे लगता है छोटे जहाज या फिर ऐसे जहाज जो के छोटी कंट्रीज़ के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के नहीं हैं, उनको ये अपनी तरह की बसेज दे देते हैं ताकि उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो पाकिस्तान का तो हम जब आए थे तो हम टनल से ही उतरे थे, अब वो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। शर्म शेख में ये जहाज़ तो छोटा है, वो कह रहे थे पाकिस्तान वाले से, पाकिस्तान से ए आता है 777-300ER जो कि काफ़ी बड़ा जहाज़ होता है बोइंग का। यहाँ से जो है आपको वैसे दिखा देते हैं, ये बाहर जहाज़ नज़र आ भी रहे हैं। तो शर्म शेख बेसिकली एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे घूमने फिरने के लिए शुगल मेले के लिए लोग जाते हैं, और है भी इजिप्ट में, तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लोग जाते भी नहीं है लेकिन जो जाते हैं वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं। वहाँ पे ऐसे तो और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बिजनेस हो या किसी की, हाँ अनलेस आपका वहाँ रेस्टोरेंट है या कोई भी टूरिज्म रिलेटेड चीज़ें, टूरिज्म इंडस्ट्री रिलेटेड, तो वो वहाँ पे लोगों की होती हैं, वो चलती हैं, उसके वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ भी वहाँ होते हैं। लेकिन इजिप्ट अगेन एक लो इनकम कंट्री या वन ऑफ द लो इनकम कंट्रीज़ में से है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लेबर की ज़रूरत होती है अगर दूसरे मुल्कों से आने की, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से आ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लेबर और इस तरह के लोग नज़र आ रहे होते हैं जो काम करने आ रहे होते हैं जद्दा या सऊदी एनीवेयर। पर इजिप्ट की फ़्लाइट पर मुझे अभी तक शर्म शेख की फ़्लाइट पर नहीं नज़र आए, क्या पता ये घूमने फिरने शुगल मेले की फ़्लाइट हो। तो ये है जी, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियोस में आपको शर्म शेख के बारे में अपडेट्स देंगे, वहाँ पे कैसा है सब, क्या ऐसा नहीं है एयरपोर्ट से, क्या तरीक़ेकार है जाने का और सब। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।